आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे सीजनल फूड के बारे में जो आसानी से आजकल मार्केट में दिखने लगा है, इजीली अवेलेबल है और इकोनॉमिकल है। ये अपने आप में एक सुपर फूड है। ना सिर्फ इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा ज्यादा है, बल्कि उसी के साथ साथ इसका फाइबर कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, जो हमारे गट हेल्थ को, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखता है। ये खाने में आसान है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं, चाहे उनके दांत हो या ना हो। आजकल जैसा कि देखा गया है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे ताकत की गोली मांगते हैं, दिस इज योर ताकत की गोली इन अ नेचुरल फॉर्म। फिर भी न जाने क्यों बहुत से लोग इसे खाने से डरते हैं। उनका मानना है कि अगर वो ये खाएंगे तो उनका वजन बढ़ जाएगा, या फिर ये मीठा होता है इसके चलते उन्हें ब्लड शुगर डायबिटीज हो जाएगी। ये सभी मिथ्स हैं। बहुत हुआ सस्पेंस। मैं हूँ माधवी, न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ इन्फॉर्म्ड हेल्थ, और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी के बारे में। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी हमारा अपना सुपर फूड है। जस्ट बिकॉज इसकी एग्जॉटिक पैकेजिंग नहीं होती, यह आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, या कोई सेलिब्रिटी इसे एंडोर्स नहीं करते, हम इसे ज़्यादा भाव नहीं देते जिस प्रकार हम कीवी, आवोकाडोस या फिर गुची बेरीज को देते हैं। स्वीट पोटैटो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर है। विटामिन ए हमारी विजन के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी के ऊपर पूरी डिटेल जानकारी दी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ विटामिन बी, जो कि हमारे फूड से एनर्जी तक का सफ़र बॉडी में तय करने में मदद करता है, हमारे खाने से एनर्जी यानी ऊर्जा निकालता है, इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। विटामिन B5, विटामिन B6, B7, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन सेल्स, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ, ब्लोटिंग, एसिडिटी और उसी के साथ हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी अच्छी मात्रा का यूरो एक सोर्स है स्वीट पोटैटो। हमारा आजकल का लाइफस्टाइल जिसमें प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की भरमार है और नेचुरल फाइबर का कंटेंट काफ़ी कम है, वहीं ये स्वीट पोटैटो हमारे नेचुरल फाइबर कंटेंट को मीट करने का एक बहुत ही आसान सा हेल्दी सोर्स है। और मीडियम साइज स्वीट पोटैटो से हमें 6.6 ग्राम के लगभग फाइबर मिलता है। क्योंकि ये हमें देर तक फिल्ड रखता है, उससे ये हमारे वेट लॉस में भी इजी साथ देता है। सिमिलरली इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, जिसके चलते डायबिटिक्स इसको आसानी से खा सकते हैं। तो ये जो दो मिथ्स हैं कि स्वीट पोटैटो खाने से मेरा वजन बढ़ जाएगा, या अगर मैं डायबिटिक हूँ तो मैं स्वीट पोटैटो नहीं खाऊँ क्योंकि मेरा ब्लड शुगर बढ़ा देगा, ये दोनों ही गलत धारणाएँ हैं। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स की वजह से ये एक डायबिटिक फ्रेंडली फूड है, और उसी के साथ साथ आपके वेट लॉस कराने में आपका सहयोग करेगा। शकरकंदी की जो स्किन में हम कलर देखते हैं, पिंक, पर्पल या ब्लू टिंच पिगमेंट्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट्स होती हैं, जिन्हें एंथोसाइनेंस कहा जाता है। इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन कीपिंग आर हार्ट हेल्दी, और उसी के साथ साथ आजकल एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस निकल के आ रहा है कि ये एंथोसाइनेंस जो हैं कैंसर प्रिवेंशन एंड कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। उसी के साथ साथ शकरकंदी में एक स्पेशल तरीके का स्टार्च पाया जाता है, जिसे हम रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं। वैसे तो इन रेजिस्टेंट स्टार्च की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, पर शकरकंदी में पाया जाने वाला RS3 काइंड का जो स्टार्च है, वो हमारे स्टमक और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट नहीं होता, और वो पहुंचता है सीधा बिग इंटेस्टाइन्स में, द लार्ज इंटेस्टाइन्स में, जहां ये हमारे गट फ्लोरा यानी कि जो हेल्दी गट माइक्रोबायोम है, जो बैक्टीरिया है, उनका खाना बन जाता है, और उसके चलते हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, हमारा जो डाइजेस्टिव माइक्रोबायोम है, वो थ्राइव करता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, उसकी हेल्थ बढ़ती है, और इन टर्न हमारी हेल्थ बूस्ट होती है। ये रेजिस्टेंट स्टार्च फर्मेंटेबल सॉल्युबल फाइबर की तरह हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल अदा करता है और इन्फ्लेमेशन को घटाता है। स्वीट पोटैटो मैग्नीशियम का स्टोर हाउस है। मैग्नीशियम को एक मास्टर मिनरल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में 300 से 400 तक के बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उनका एक कोफैक्टर है।
जॉइंट हेल्थ, मसल क्रैम्प्स को प्रिवेंट करने में, हमारे हार्ट हेल्थ को बरकरार रखने में, ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में या डायबिटिक्स के केसेस में ब्लड शुगर लेवल्स को घटाने में मैग्नीशियम एक अहम भूमिका निभाता है। हम सभी को पता है कि विंटर में जिन लोगों को जॉइंट एक्स होते हैं, अक्सर उनकी कंप्लेंट होती है कि सर्दियों में उनके हड्डियों के दर्द बढ़ जाते हैं, और तभी ये शकरकंदी जो है हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। आइए इस सीजन में शकरकंदी का गिल्ट फ्री आनंद उठाएं। इसको हम अलग अलग रेसिपीज की तरह बना सकते हैं। इसको बॉईल किया जा सकता है, बेक किया जा सकता है, रोस्ट किया जा सकता है। उसी के साथ साथ इसके चिप्स बना के क्रिस्पी वेजेस के फॉर्म में बच्चों को भी दिया जा सकता है। आप इसकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं जैसा कि व्रत में खाया जाता है। ये बहुत ही वर्सेटाइल है और अपने आप को बहुत इजीली अलग अलग रेसिपीज में ढाल लेता है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ईट वेल, लिव वेल, बी हेल्दी।